नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, कल जून मंथ का एक्सपायरी है और आज बहुत ही एक बड़ा मार्केट में न्यूज़ भी आने वाला है। जो यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है, जो आपको 10 बजे के करीब रिलीज होगा, तो उसके अनुसार मार्केट में डेटा पहले क्या बन रहा है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, उस डेटा को एक बार हम देखेंगे। उसके बेसिस पे ट्रेड देखेंगे कि ट्रेड हमें कहाँ लेना है और क्या करना है। तो चलिए एक बार डेटा हम देख लेते हैं कि हमारे बड़े प्लेयर द्वारा डेटा क्या बनाया गया है और मार्केट में वो कैसे ट्रेड करना चाहते हैं एक्सपायरी के दिन, उनकी आने वाली जो न्यूज है उसके बेसिस पे वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, उनका जो है वो डेटा बेसिस पे अगर हम बात करें तो उनका पहले पता चल जाता है, इसलिए डेटा हम सुप्रीम मानते हैं, डेटा को पहले मानते हैं। तो एक बार मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि आज जो उनका पोजिशन बनाया गया हो वो बड़े पेड़ द्वारा क्या पोजिशन बनाया गया। तो एक बार दोस्तों थोड़ा सा ये इशू है, अभी देख लेते हैं। हाँ चलिए, क्या है कि इन्होंने आज हम अगर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट क्या कॉल ये सॉरी फ्यूचर में लॉन्ग किया 12,000 क्वांटिटी और थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्लोज किया, यानी ओवरऑल इनका 131,000 से 146,000 यानी 14,400 जो है क्वांटिटी नेट बेसिस पर इन्होंने लॉन्ग किया है फ्यूचर में लॉन्ग किया है कौन, हमारे क्लाइंट ने। लेकिन अगर हम एफआईए की बात करें तो एफआईए देखिए 18,500 क्वांटिटी 18,500 क्वांटिटी क्लोज किया है लॉन्ग को और 11,000 शॉर्ट कर दिया है, यानी इनकी पोजीशन बेयरिश हो गई है और ज्यादा 101,000 से सीधा 132,000 यानी 30,000 क्या इनका पोजीशन ज्यादा बन गया है आज फ्यूचर में। तो ओवरऑल ये जो पोजीशन है यहां से बेयरिश इंडिकेट कर रहा है यहां पे हमारे जो है वो एफआईआई का। अब हम प्रॉप की बात करें तो प्रॉप ने क्या किया, आज शॉर्ट को क्लोज किया है और थोड़ा सा लॉन्ग किया। देखिए इनकी क्या था कल 11,000 क्वांटिटी, ये पूरा क्या था वो जो शॉर्ट था वो पूरे शॉर्ट क्लोज करके इन्होंने 13,000 लॉन्ग कर दिया, यानी इनको लगता है कि मार्केट और यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन एफआईआई जो है इनको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे ही रहेगा, इसलिए इन्होंने क्या किया है न्यूज बेसिस पे इंटरनल एजेंट को पता रहता है इन्होंने क्या किया शॉर्ट जो है इंक्रीज किया किसमें फ्यूचर में, और फ्यूचर में इनकी शॉर्ट है इसका क्या है इनकी डायरेक्शन क्लियर है। और आज अगर देखें तो हमारे डीआई ने भी लगभग फ्यूचर में शॉर्ट किया है, यानी कल 8,800 तो 27,000 इनका भी पूरा शॉर्ट पोजीशन हो गया, यानी ओवरऑल फ्यूचर का डेटा हमारे जो बड़े प्लेयर्स का वो हमें बियरिश इंडिकेट कर रहा है। अब हम प्रॉप का देखें कि प्रॉप इन्होंने क्या किया, कहीं अपना पोजिशन हाइज तो नहीं किया है, ये हमें डेटा बेसिस पे पता चल जाएगा। अभी हम फ्यूचर का ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो चलिए एक बार हम ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शन का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन के डेटा में एक बार अगर आप देखें तो आज हमारे जो क्लाइंट है इन्होंने क्या किया 59,000 कॉल को बाई किया, यानी इनका 126,000 से 186,000 यानी ये फ्यूचर में और कॉल भी बाइंग किए, ये पूरी लॉन्ग है, जबकि ये पुट को बिल्कुल क्लोज नहीं किया है, पुट भी आज 3,300 कंट्रोल राइट किया है। ओवरऑल ये क्या है पूरे मार्केट में हमारे बुलिश हो गए हैं और एफआईआई भी लगभग 27,000 देखिए क्वांटिटी आज पुट कॉल की बाइंग की है, कॉल की बाइंग इन्होंने किया है यहाँ पे, तो 1,36,000 से 1,63,000 क्वांटिटी हो गया है इनका लॉन्ग, लेकिन ये भी पुट को क्लोज नहीं किए हैं, 2,83,000 था इनका 2,76,000 मात्र 6,800 क्वांटिटी इन्होंने क्लोज किया। दोस्तों ये कुकीज का इशू बार बार आता है, थोड़ा सा ये ऑप्शन वाले सीट में कुकीज का इशू है, मैं इसको सही कर दूंगा। तो इस प्रकार इनकी जो पोजिशन है अभी भी क्या है पूरे शॉर्ट बेसिस पे है, लेकिन थोड़ा सा कल स्लाइटली ये बुलिश है ऑप्शन में, लेकिन फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट किया। लेकिन आज देखें प्रो ने आज किया है एक अच्छा खासा कॉल की राइटिंग की है 86,000 क्वांटिटी यानी 2,64,000 से 3,50,000 क्वांटिटी इनका हो गया है, और पुट में जो इनकी 1,56,000 क्वांटिटी था राइट 10,000 क्लोज किया 1,46,000 हो गया। तो ओवरऑल यहाँ से बड़े प्लेयर का जो डेटा है वो आप देखें तो क्या है वो बेरिश इंडिकेट कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इन्होंने 27,000 देखिए अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ये 32,000 फ्यूचर में इन्होंने राइट किया है, फ्यूचर में शॉर्ट किया है, तो फ्यूचर का डेटा को हम ज्यादा वेटेज देंगे, फ्यूचर के डेटा को हम ज्यादा वेटेज देंगे ऑप्शन के डेटा से। ओवरऑल यहां से बड़े प्लेयर का डेटा हमें बिल्कुल बेयरिश इंडिकेट कर रहा है जो है मार्केट में, और हमारे यहाँ क्लाइंट क्या है वो बुलिश है। तो एक बार हम कैश का भी डेटा देख लेते हैं कि कैश का हमें डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। चलिए मैं इस सीट को भी क्लोज कर देता हूं और कैश में अगर एक बार ये ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शन में इनका पोजिशन क्या बना है, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी हमारा जो रेशियो है बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पोजीशन न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ये हमें क्या है बेयरिश इंडिकेट कर रहा है।
ओवरऑल आज अब पीसीआर देखें 0.76 का है पीसीआर आज का, और कल का प्रीवियस पीसीआर 0.84 का है। तो पीसीआर हमें ऐसा कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे है, न्यूट्रल है। लेकिन आईबीएम में 15,700 टचिंग की प्रोबेबिलिटी नीचे दिखा रहा है, 15 यानी आपको 26% आईबीएम ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। आज देखें कॉल का जो पोजीशन है वो 1,04,000 पोजीशन बनाया गया है, पुट में 66,000 पोजीशन बनाया गया है, यानी जहां कल की राइटिंग की गई है ये देखें, ये जो राइटिंग की है ये बड़े प्लेयर द्वारा हमने देख लिया कि यहाँ प्रो ने राइटिंग किया है 16,100 तक, और ये बहुत नीचे जाएगा नहीं, इनकी इन्होंने अपना पोजीशन लगभग इन द मनी क्लोज कर रखा है, इन द मनी इनकी पोजीशन लगभग क्लोज हो गई है। और आप पुट की तरफ भी देखें तो इन द मनी पोजीशन क्लोज है इनका यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो है हमारे पुट की तरफ जो वो राइटिंग किया गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे क्लाइंट द्वारा अभी हमने आप देखा। तो ये बड़े प्लेयर आपको यहाँ पे जो बाइंग किए हैं पुट की हल्का, ये नीचे की तरफ बाइंग किए हैं 15,700 के पास, और राइटिंग किए हैं 16,000 के पास। तो ये अभी बिल्कुल अपना पोजीशन हेज करके रखें फ्यूचर से, क्योंकि मार्केट में कल कहीं भी वोलेटिलिटी हो सकता है। इनके ओवरऑल डेटा क्या है वो बेयरिश इंडिकेट कर रहे हैं हमारे निफ्टी के। एक बार हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें कहां पे फ्रेश पोजीशन बनाया गया है बड़े प्लेयर द्वारा। तो बैंक निफ्टी में भी आपको सजेस्ट सिलेक्ट करता हूं, फिर यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं। तो एक मिनट, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है सीट में। तो यहां पे देखें कि बैंक निफ्टी में भी लगभग जो राइटिंग इनका किया गया है वो एटीएम के पास ही किया गया है, यानी बड़े प्लेयर एटीएम के पास ही राइट किए हैं। आप इनकी पोजीशन देखें तो 33,300 के पास, 33,400 के पास इनकी राइटिंग आज किया गया है ओवरऑल। तो ओवरऑल डाटा यहां से बहुत मार्केट ऊपर जाने के पोजीशन नहीं है, इन द मनी पोजीशन क्लोज नहीं किए आज। एनएससी का कुछ चार्ट ज्यादा ही इशू कर रहा है दोस्तों। तो ये इन द मनी देखिए, इनका पोजीशन बिल्कुल क्लोज नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कभी इन द मनी कॉल के पास पोजीशन इनका क्लोज नहीं है, पुट की तरफ इनका पोजीशन क्लोज है, पुट की तरफ इन द मनी जहां पे भी इनका पोजीशन पूरा क्लोज है। तो ये डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है जो आपको ऑप्शन का भी कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, आप ये चीज देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पोजीशन क्लोज है, यहाँ पे पोजीशन क्लोज नहीं है, ये पूरा आपको पोजीशन ओपन है और यहाँ पे पूरा पोजीशन ओपन है। तो ओवरऑल जो हमको ये डेटा सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। आज 1,66,000 ये देखिए पोजीशन बनाया गया और कॉल की तरफ पोजीशन क्लोज है पूरा। तो हमें ऑप्शन का भी डेटा वही इंडिकेट कर रहा है जो हमारा पार्टिसिपेंट वाइज ओपन टेस्ट में बनाया। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा लेवल क्या रहेगा, हमें किस लेवल पे ट्रेड करना है। कैश का डेटा आप देखें तो थोड़ा सा आज एफआईआई लगभग 851 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, और सेम हो हमारे डीआई ने बाई किया है। तो इनकी जो मैचिंग अभी चल रही है, लगभग जितनी ये सेलिंग उतनी बाइंग है, इसलिए मार्केट देखिए पूरा रेंज बाउंड रहा है। तो हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है कल अगर एक्सपायरी में, तो हमें क्या करना होगा। आप अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग होना है तभी जब आपको ये लेवल के ऊपर, यानी बैंक निफ्टी में लॉन्ग इस लेवल के ऊपर आपको 33,300 के ऊपर चलेगा तो 33,500 और 33,670 का टारगेट और 830 का टारगेट हमारा ये रहेगा ऊपर। लेकिन नीचे 33,200 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर 33,000 और फिर 32,900 और 760 का टारगेट हमारा रहेगा बैंक निफ्टी का। लास्ट में देखिए हमारा BWM और BWB दोनों के कैंडल नीचे है, तो यहाँ से हमारे प्राइस एक्शन भी थोड़ा स्लाइटली वो बेयरिश इंडिकेट कर रहा है। एक बार हम निफ्टी का भी देख लेते हैं, निफ्टी में भी लगभग सेम इंडिकेट देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉल एक क्रूशियल जोन में निफ्टी आकर रुक गया है यहाँ पे। और आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो निफ्टी में सबसे पहले ट्रेड आप यहां पे देख सकते हैं कि जो एक 15,840 यहां से, यानी इस लेवल 40 पॉइंट और लगभग ऊपर चलेगा तो हमें फ्रेश लॉन्ग होना, हमारा टारगेट 15,930 का रहेगा, 16,000 का और 1660 का। लेकिन अगर शॉर्ट करना है तो यहां से लगभग 40 पॉइंट और नीचे, यानी इस स्विंग को, इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। ये लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट शॉर्ट हो जाएगा, फिर नीचे का टारगेट 15,670 का, 570 का और 450 का टारगेट हमारा रहेगा। लास्ट में इसमें भी देखें BWM में, BWP दोनों क्या है, कैंडल उसके नीचे है, तो मार्केट यहां से बेरिश इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों आप ये सारे लाइव में अपडेट चाहते हैं कि आपको लाइव में अपडेट मिले कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो एक एक अपडेट लाइव में स्टेप बाई स्टेप हमारे यहाँ पे देखते हैं। मार्केट विल
कम डाउन फ्रॉम हेयर, देखिए टच सेकेंड लेवल रिवर्स फ्रॉम हेयर, मैं पुट राइटर एक्टिवेट 15,600 सर। आई वी सजेस्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अपसाइड टुडे मार्केट टॉप, मैंने बता दिया था कि मार्केट अभी के लिए यहाँ पे टॉप है, वहां से फिर मार्केट नीचे आया। ओवरऑल देखिए क्या है, पूरा बैंक निफ्टी आपको पूरा वैली से मार्केट वैली कम नियर 70 पूरा मैंने बताया था यहाँ लास्ट तक। तो ये सब आपको सारी चीजें अगर लाइव में सीखना है तो आप मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप पूरी इसकी डिटेल में सीखना चाहते हैं डीप में तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से कि यहाँ सब कुछ डिटेल में एक्सेल शीट बनाने से लेके और पूरे सब कुछ आपको सिखाया जाता है। तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आई वी अगेन सजेस्ट अपसाइड मार्केट, और देखिए पूरे मार्केट हमेशा अपसाइड रहा, और लास्ट में मैंने बताया था कि मैक्सिमम 840 तक गया, उसके नीचे 850 तक भी गया मार्केट, और फिर पुट राइटर एट 15,800 एंड आई सोल्ड ग्रीन मार्केट, ग्रीन में मैं बताया था कि जाएगा, और उसके बाद आप देखें फिर निफ्टी में कम डाउन 15,820 मैक्स, यहाँ पे एकदम शार्प यहाँ मार्केट आया। उस समय आप देखें टाइम भी देख सकते हैं जाकर मैक्स करते हैं, नाउ मार्केट विल नॉट गो अप आई वी इंडिकेट, और मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट क्लोजिंग हमारी नाउ मार्केट एट 780, मार्केट 780 के पास क्लोजिंग देगा और मार्केट वहां से नीचे और देगा। तो हमें फ्रेश लॉन्ग में बताया, देखिए नाउ फ्रेश लॉन्ग 845 के ऊपर ही लॉन्ग होना है, और गिवन टारगेट आपको 780 का डाउन साइड यहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो ये हमारा लेवल था, पूरे एक एक मिनट का लेवल अपडेट किया जाता है दोस्तों। तो आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखें। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के द्वारा बनाया गया है, इस वीडियो के आधार पर बाई से लिए होल्ड का ऑप्शन क्लिक न करें, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं की सलाह पर बाई से होल्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हूं कि आपका दिन जरूर प्रॉफिटेबल होगा।